I'm in any case a big fan of the actors, both Rasika and Tiska, and the format of a short film, because you know you never get to see these kind of stories otherwise. It's a very different kind of a story, and usually in short film you can always have an interesting twist at the end. So it's a very unpredictable twist, I'm not going to tell you, but yeah, I'm really happy seeing it. For me, chutney was a real spicy one, this one, and lots of layers, lots of mirchi added, lots of masala added, and I think it's really yummy to have it in the end of the day. Very nice. And yet subtle and interesting. Very subtle, right? And it hits you. I mean, of course, we can't tell you what it is, but it's really nicely made. I think hats off to Tiska for trying this new format and becoming a producer, and I think it's going to be a great, great initiative. Well. I think she wrote it as well. No, all of the actors, you see, also when actors become directors or producers, I think they take an extra care in terms of casting, in terms of the performance. And both Tiska, Rasika, Bane, or unusual topics, unusual performances, dekhne ka avsar mile to, I think that's a wonderful thing. I would say Tiska and Rasika both are very, very good. Tiska is really excellent. कई लोगों ने तो उनको पहचाना भी नहीं. Lovely. इसकी दो वजहें हैं कि एक चटनी कभी अकेली सर्व नहीं होती, हमेशा समोसे के साथ या इडली के साथ या डोसे के साथ. जब नहीं होती तब उसको मिस करते हैं. और बहुत साधारण सी चीज़ है पर उसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं. कई बार चटनी बनाने में डोसा या इडली या समोसे से ज़्यादा मेहनत लगती है पर उसको उतनी प्रोमिनेंस नहीं मिलती जितनी कि बाकी के खानों की चीज़ों को मिलती है. तो ये कहानी, ये जो महिला है वनीता जिसके बारे में ये कहानी है, ये चटनी की तरह ही है, बहुत स्पाइसी, बहुत गहरी, बहुत मिस्टीरियस. और दूसरी वजह ये है कि एज़ ह्यूमन बीइंग्स हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि उसकी चटनी बना दी, इसकी चटनी बना दी. सो द आइडिया इज़ कि अगर हमसे कोई नीचे है, हमारे लिए काम करता है, तो हम उसकी चटनी बनाते हैं. जो हमसे कोई ऊपर है वो हमारी चटनी बनाता है, और फिर हम आपस में ये जो हमारे बनाई हुई चटनियाँ होती हैं इनके बारे में बात करते हैं कि देखा मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको दिखा दिया कि मैं क्या हूँ, मेरे से ऐसे कैसे उसने बात की. हम ये सब बातें करते हैं,
सो दिस फिल्म चटनी इज अबाउट आर गॉसिप्स एंड आर इनर लाइफ, और हमारे अंदर क्या चटनी है उसके बारे में. ऐसा आपका कहने का मतलब है, ऐसा मैंने तो नहीं कहा, बट हर जगह होती है, जहाँ पे भी इंसान होंगे ये तरह की चटनियाँ ज़रूर होती हैं. अभी बस रिलीज़ होने वाली है अगले 2 घंटे में, तो आई थिंक अप्रिसिएशन या जूते चप्पल अंडे जो भी मिलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा. हाउएवर एक हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है कि लड़कियों को सुंदर ही दिखना चाहिए, और वो भी ठीक है, अच्छी बात है, पर उसके अलावा हम उसी चीज़ को घसते रहते हैं तो थोड़ा बोरियत हो गई है. सुंदर और सुंदर, इस तरह से सुंदर, उस तरह से सुंदर, छोटे बाल में सुंदर, लंबे बाल में सुंदर, इंडियन में सुंदर, वेस्टर्न में सुंदर, गाने में सुंदर, सीन में सुंदर, लव सीन में सुंदर, पहाड़ों में सुंदर, बस हो गया सुंदर, क्योंकि दैट इज़ नॉट द कैरेक्टर. और एक थोड़ी सी बोरियत होने लगती है वही सुंदर सुंदर सुंदर, यू नो, यू वांट टू सी पीपल, रियल पीपल जो कुछ अतरंगा करें. तो मैंने सोचा सुंदर की जगह क्यों ना अगली, व्हाई नॉट समथिंग जो बहुत साधारण है, बल्कि साधारण से भी थोड़ा कम है, कि अगर ये महिला आपके बगल में ऑटो में या बस में बैठी हो तो आप ध्यान भी नहीं दोगे, आपकी नज़र में वो उभरेगी भी नहीं. सो आई थिंक दैट्स वाई दिस लुक, एंड ये कैरेक्टर के साथ फिट बैठ रहा था, सो आई थॉट सो. Fabulous reaction, very happy. I think people were surprised, quite shocked ke we would do something like this in a short film. Ek feature film type ki quality hai aur performances hain. We have wonderful actors, Rasika Duggal, Adil Hussain, Sumit, Devesh Ranjan, Akash Bhardwaj, so many fantastic actors. Jo abhi aap wo थोड़े 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 आदिल तो खैर ऑफकोर्स बहुत सारा, बट रसिका ऑल्सो क्वाइट अलॉट, बट बाकी के जो एक्टर्स हैं वो अब आपको दिखने शुरू होंगे और ज़्यादा. सो वी बीन वेरी लकी. एक आई यूज़ टू परफॉर्म अ पीस, 15-16 मिनट का पीस था, विच आई यूज़ टू परफॉर्म जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी ऑन स्टेज. एक शॉर्ट स्टोरी है उसके ऊपर बेस था, और करते 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 ये स्टोरी मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी. इट वॉज जस्ट इन माई हेड फॉर सो मेनी ईयर्स, और उस कहानी के और रूप निकलते चले गए. एंड देन एज इट इवॉल्व मोर, ये एक स्क्रीन प्ले बन गया. देन आई मेट द डायरेक्टर ज्योति कपूर दास, और हम दोनों ने बैठ के इसको लिखना शुरू किया, और चटनी की तरह इसको प्लेस कर दिया हम लोग, और 15 ड्राफ्ट लिखे. तो आई थिंक एक एक शब्द को, एक एक लफ्ज़ को हमने चुना कि ये शब्द है, ये लफ्ज़ है, इसकी जगह वो यूज़ करें, तो बहुत बारीकी से लिखा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई थिंक पीपल विल रिलेट टू. थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. थैंक यू. देयर सम चटनी फॉर ऑल ऑफ यू. बैग्स, लिटिल बैग्स. या, थैंक यू. इट्स वेरी सटली डन, एंड आई रियली थॉट दैट I cannot, I don't want to reveal anything, because as you know, it's a short film, and the story is very, very simple, but I would just like to say, do not judge a book by its cover, and do not judge the depth of this film by the length of this film. Yeah. How is? Tiska. Tiska is very, in fact, everyone in the film are very good actors. There was nobody there in that film that was... you know, slightly over or slightly under. They were all perfect. They all looked like they were the characters that they are playing, and they have just been shot, and nobody knows, and they didn't know while they were being shot. I think it was a very fine piece of filmmaking, and I'm very proud and happy for Tiska. Thank you. Thank you. I'm in my bag. I've been giving a bag gift which has chutney in it, so I'm going to have a few more days of OD chutney. You know, it's very difficult to say. If you like a film, it's very difficult to say which character is good, because what makes a film good is all the characters. Everybody, whatever they have to contribute to the film, in itself make a good film. So I like all the characters. Everybody's played their part really well. The casting is really good. Apt film. Thoda dhakka lagta hai. Mujhe bhi laga tha. But it was a good start, like a good attack. It's a good one. Yeah. Nahin, Isha Gupta is playing a villain, but no, I'm not there, because the script is completely changed, and now the entire base is out of India. And main to gaon mein thi, to ab to mera koi kaam nahi commando 2 mein. Let's see what happens for 3.